हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर लेके आया हूँ सी लैंग्वेज की क्लास में स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन में आज हम पढ़ेंगे एसटीआर यूपीआर फंक्शन के बारे में, जो कि किसी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कोई भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, उसके सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं। तो हम आते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम एक हेडर फाइल stdio.h लगाते हैं, जो कि एक हेडर फाइल है। देन इसके बाद में हम एक conio.h एक हेडर फाइल यूज़ करते हैं। देन एक स्ट्रिंग फंक्शन के लिए हम एक हेडर फाइल string.h लगाते हैं। मेन प्रोग्राम में आते हैं एंड कर्ली ब्रेसेस और स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr फंक्शन लगाते हैं। एक नेम हमने एक एरे बनाते हैं कैरेक्टर टाइप का। देन यूजर से को एक मैसेज शो कराने के लिए हमने पुट्स एंटर द नेम एक प्रोग्राम लिखा है। देन जो भी हम स्ट्रिंग एंटर कराएंगे वो गेट्स नेम में जाकर स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो स्ट्रिंग हमने एंटर की है उसको अपर केस में चेंज करने के लिए हम पुट्स ब्रेकेट str upr देन जो एरे है हमारा नेम और कैरेक्टर टाइप का ये लिखते हैं। अब हमारा जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्क्रीन पर एक मैसेज आ गया है एंटर द नेम। तो हम कोई भी नेम टाइप करते हैं, डिजी टेक कंप्यूटर सोसाइटी, देन एंटर। अभी आपने देखा कि हमने स्मॉल लेटर में ये एक प्रोग्राम एक स्ट्रिंग हमने टाइप की थी और इसने हमें कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके दे दिया है। तो कैसा लगा ये प्रोग्राम? ठीक है, एक बहुत इजी सा प्रोग्राम है। इसको आप देख लीजिए और स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। देन हम इसके बाद हम दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे,